मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। केरल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम योगी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने एलडीएफ के साथ कांग्रेस और यूडीएफ पर हमला बोला। उन्होंने कायमकुलम के हरिपद विधानसभा क्षेत्र की सभा में कहा कि देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल केरल को जिन बुलंदियों को छूना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ ने सत्ता में आकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता को जन्म दिया, जिसके कारण केरल में लंबे समय से जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ। विकास के नाम पर केरल की जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। विकास के नाम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन केरल की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहा है। एलडीएफ पीएफआई और एसटीपीआई के साथ मिलकर के केरल के साथ विश्वासघात कर रहा है। लगातार केरल के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां सिर उठा रही हैं, वह एक खतरनाक कल की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज पीएफआई और एसटीपीआई की गतिविधियां यूपी और हिमाचल प्रदेश की सरकार के बीच परिवहन को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते तहत दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत यूपी और हिमाचल प्रदेश के बीच परिवहन सेवा को लेकर 20 साल का एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब हिमाचल प्रदेश के 19 मार्गों पर यूपी की 48 बसें चलेंगी, जबकि यूपी के 27 सड़कों पर हिमाचल प्रदेश की 70 बसें चलेंगी। आपको बता दें कि 6 मई 1995 के समझौते की तारीख के समाप्त होने के बाद इस समझौते का विस्तार किया गया। मुख्तार अंसारी को कल पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि मुख्तार को जिस एम्बुलेंस से कोर्ट में पेश किया गया उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो एम्बुलेंस यूपी की थी और श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम से रजिस्टर्ड है। मऊ में इसी नाम का अस्पताल डॉक्टर अलका राय के नाम से है, जिसके बाद आज महिला जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर अलका राय से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने कोई एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को नहीं दिए और ना ही मुख्तार अंसारी से हमारा कोई संबंध है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई अस्पताल बाराबंकी में नहीं है। वहीं अलका राय ने कहा कि जैसे वो आपके विधायक हैं वैसे ही हमारे विधायक हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी से हमारे कोई संबंध नहीं। आप लोगों ने ही मेरे संज्ञान में डाली है कि कोई एक एम्बुलेंस है जो कि बाराबंकी में रजिस्टर्ड है। बाराबंकी से मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं है। आप सब लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 19 साल से मैं मऊ में हूँ और उससे पहले मैं दिल्ली में थी। बीच की जगहों से मेरा कोई नाता नहीं। मुझे लगता है संजीवनी अस्पताल तो हर ज़िले में है लगभग, तो बाराबंकी में भी हो सकता है कि वो कोई हो। जो सबसे पहले चैनल ने मुझसे सवाल पूछा वो पूछा भी नहीं, पहले मेरा इंट्रोडक्शन ही दिया कि मेरा कोई ब्रांच है बाराबंकी में जो 5 साल पहले बंद हो गया है। भाई मऊ के अलावा मेरा कोई ब्रांच ही नहीं है। मैं हमेशा 19 साल से मऊ में हूँ और मऊ में ही कार्यरत हूँ। मोहम्मदाबाद यूसुफपुर के मुख्तार अंसारी में हैं और मैं भी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी फौज में थे इसलिए कभी मोहम्मदाबाद में हम लोग रहे नहीं, लेकिन हाँ ओरिजिनल पैतृक जमीन हमारी वही है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी जेल लाने को लेकर आनंद स्वरूप शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। कांग्रेस का जो डीएनए है वो जो भी समाज विरोधी तत्व है, विशेष रूप से जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी रही है और आज भी उसी लिए कांग्रेस अपने उसी चरित्र का निर्वहन करते हुए एक माफिया सरगना इस्लामिक आतंकवादी मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी है जो अत्यंत निंदनीय है। तो ये तो कांग्रेस के डीएनए के बारे में आपने बता दिया। यूपी सरकार का जो डीएनए है उससे भी बड़ा आजकल डरे हुए हैं मुख्तार अंसारी, आजकल इनकाउंटर बहुत ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार जब से आई है, यहाँ जो सनातन आस्था सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो लोगों ने भी खड़ा होने की कोशिश किया, जो भारत के संविधान के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ योगी जी की सरकार योगी जी की पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज
जो माफिया सरगना पहले से थे प्रदेश छोड़कर के चले गए हैं, जो अन्य कहीं हैं, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि पंजाब की जेल में जो बकरा छुपा हुआ है उसकी अम्मी बहुत दिनों तक खैर नहीं मना पाएंगी। योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस उसे खींच के लाएगी और निश्चित रूप से उसको दंड दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान बाराबंकी नंबर के एम्बुलेंस मामले में एमएलए अलका राय की बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जी, हम भी देखे थे टीवी में, न्यूज के माध्यम से, आप लोगों से भी पता चला मीडिया से कि वहाँ पे एम्बुलेंस के जो यूपी का नंबर है जी। तो जी, इस पर मैंने प्रमुख सचिव से बात की हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ये लोग गेम खेल रहे हैं, एक गेम खेल रहा है व्यक्ति, वहाँ की सरकार का पूरा सहयोग इसको मिल रहा है। और पंजाब सरकार यूपी के नंबर के या यूपी के एम्बुलेंस से उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है अस्पताल से जेल, जेल से अस्पताल और कोर्ट तक जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार से आपने क्या मांग की है? मैंने जांच के लिए मांग की हूँ कि जांच होना चाहिए, एम्बुलेंस कहाँ से, हाँ जी, कहाँ से पहुँची है, किस माध्यम से पहुँची है वहाँ पे। और ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो एम्बुलेंस जिस हॉस्पिटल के नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी गलत है जी, अभी पता चला है कि वो फर्जी है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों की ओर से की जा रही लापरवाही भारी पड़ रही है। गुरुवार सुबह जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में 125 लोग पॉजिटिव पाए गए। दूसरी लहर अभी ये शुरुआत है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लापरवाही भारी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में बुधवार शाम 7 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक 2,288 सैंपल की जांच में 125 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार पॉजिटिविटी रेट 5.4% है, जो कि बहुत खतरनाक है। वहीं अभी दिन भर की रिपोर्ट आना बाकी है। यूपी में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज आज से शुरू हो गया, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र वाले यानी कि 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस उम्र के लोगों में करीब 2,25,00,000 लोगों को टीका लगना है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में 5,500 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। लखनऊ के प्रमुख 35 सरकारी अस्पतालों में सोमवार से शनिवार तक वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 39 सीएससी पीएससी पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने सिविल अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उनके साथ कई और बीजेपी के मंत्री मौजूद रहे, उन्होंने भी ये वैक्सीन लगवाई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान स्वतंत्रदेव सिंह ने लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और भ्रम से दूर रहें। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में ना आए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने कुल 42 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, बाकी 26 प्रत्याशियों की घोषणा बाद में की जाएगी। गोरखपुर जिला पंचायत में कुल 68 वार्ड हैं। सपा ने इसमें से 42 वार्डों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और 42 उम्मीदवारों की सूची जो जारी की है उसमें ब्राह्मण चेहरों के नाम पर सिर्फ एक प्रत्याशी सामने आया है। तो कुल 42 प्रत्याशियों की यह सूची जारी की गई है। बताया जा रहा है कि 26 और उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी, लेकिन वो बाद में की जाएगी। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की ये सूची जारी की गई है, जिसमें सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए संभावित प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि 13 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए संभावित प्रत्याशी अपने कागज पूरे करने में जुटे हैं। मुरादाबाद जिले में कुल 121 नामांकन पत्र बिके, इनमें से 15 जिला पंचायत सदस्य के लिए खरीदे गए,
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तिथि नजदीक आते ही संभावित प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदने शुरू कर दिए। जिला पंचायत के नामांकन पत्र खरीदने के लिए ग्रामीण एसडीएम प्रशासन के न्यायालय पहुंचे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र बेचने के लिए ब्लॉक में काउंटर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल यानी कि आज से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। अब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दिए गए निर्देश के मुताबिक प्रदेश के सभी क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने और पेयजल की व्यवस्था की गई है। हालांकि गेहूं खरीदी में सबसे बड़ी चुनौती पिछले साल की तरह इस साल भी कोविड का बढ़ता संक्रमण है, जिसे देखते हुए इस बार हर क्रय केंद्र पर पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रा रेड थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 175 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने गेहूं की खरीद पर प्रति क्विंटल 50 रुपये बोनस की भी घोषणा की थी। अब इस बार 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद की जाएगी। कौशाम्बी में किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सरकारी खरीद केंद्र आज से शुरू हो गए। जिले में 32 केंद्रों पर गेहूं की खरीद की तैयारी मुकम्मल करने का दावा जिला खाद्य और विपणन अधिकारी ने किया था। जनपद के भरवारी, सराय अकिल, सरसवा, पश्चिम शरीरा, अजुआ, चायल, मंझनपुर कस्बों में गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए। वहीं किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कांठ तहसील के मोहल्ला माननगर में अचानक तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। धमाके की चपेट में आकर गोदाम में काम कर रहे कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहां ये धमाका हुआ उस गोदाम में आतिशबाजी का सामान तैयार होता था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब शादी और निकाह के मामले में एक फरमान जारी किया है, जिसमें तमाम मस्जिदों के इमाम से अपील की गई है कि निकाह के समय नाच गाना और डीजे का बिल्कुल भी उपयोग ना किया जाए और इस मौके पर लड़के वालों की तरफ से किसी भी किस्म की दहेज की मांग ना की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक इकरारनामा जारी किया है और जो कि शादी और निकाह के सिलसिले में है, जिसके लिए की तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील की गई है कि जुमे के नमाज के खुतबे में उसको पढ़ करके सुनाएं, जिसमें कि इन बातों की को पॉइंट आउट किया गया है कि निकाह के मौके पर किसी भी किस्म का कोई भी गैर शरई काम ना किया जाए, निकाह की तकरीब में किसी भी किस्म का नाच गाना या डीजे या म्यूजिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अमेठी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली है। कमान संभालने के बाद उन्होंने गांव-गांव जाकर अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया, लोगों को शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने की नसीहत दी। वहीं पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने लोगों को आगाह किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव में किसी को जोर जबरदस्ती करके मतदान करने के लिए धमकी देगा तो प्रशासन किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिलाधिकारी ने बूथों का निरीक्षण भी किया है और कहा कि किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। माननीय आयोग के निर्देश हैं, पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण सभी का पालन जिले में किया जा रहा है। हमारे पूरे जनपद को सेक्टर जोन की जो व्यवस्था है उसमें बढ़ा कर दिया गया है। सभी ड्यूटियाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट आदि की ला दी गई हैं और आरओ की ड्यूटी भी लगा दी गई है और जो ट्रेनिंग के कार्यक्रम वो भी हो रहे हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जो हमारे अति संवेदनशील प्लस कैटेगरी के जो बूथ हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और सभी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो माननीय आयोग के निर्देश है उसका सत्य से पालन हो और चुनाव जो है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से हो। ऐसे एलिमेंट जो कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है या जिनके खिलाफ किसी प्रकार कोई आशंका है कि वो शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है तथा उनको आगाह भी किया जा रहा है कि भविष्य में अगर कोई इस तरह की कोशिश भी करता है तो उस पर जो कानून की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली अंतर्गत सच्चा आश्रम के पास जंगल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग ने धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि तेज हवा के कारण आग पर पानी का कोई असर नहीं हो रहा था, तो आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों पेड़ पौधे इस आग में जलकर राख हो गए। जंगल में भीषण आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ पौधे यहां धू धू कर जल रहे हैं, और आग की जो लपटें हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन पेड़ों को अपने आगोश में इस आग ने ले रखा है। आग तो कम लगभग जो है मॉर्निंग से ही आग लगी हुई है, आउटसाइड में था। अभी धीरे धीरे हवा के बहाव से तेजी से साथ ये बढ़ते हुए सिर्फ यहाँ जो है कुटी के पास पहुंच गया, और हमारा काफी नुकसान जो है 3-4 गद्दे जल गए जो है, कालीन वगैरह जल गए हैं, और प्रशासन का हम लोग यहाँ पे सूचना दिया गया, पर यहाँ पे कोई अभी व्यवस्था नहीं हुई। बहराइच में फखरपुर इलाके के बसैया गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में लगी आग ने 12 आशियाने जलाकर राख कर दिए। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते 12 घर जलकर राख हो गए। कई परिवार के सर से आपको बता दें कि छत छिन गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया था। मौके पर पहुंची अर्चना सिंह स्थानीय लेखपाल ने बताया है कि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो बहराइच की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आग लग गई और आग ने किस तरीके से इस पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी क्षति हुई है। आग की चपेट में 12 आशियाने जलकर पूरी तरह से राख हो गए। आग लगने के कारणों का हालांकि खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बसैया में जो ये आग लगी है, लगभग 10-12 घर थे, सारे के सारे घर जल गए हैं। रीजन क्या है वो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये काफी नुकसान हुआ है, और प्रशासन की तरफ से जितनी संभव सहायता है दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामवासियों का अच्छा प्रयास रहा, उन्होंने कोशिश की पूरी बुझाने की, और दमकल टीम भी हमारी मौके पर मौजूद है, सब मिलकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।